हाँ, तो अब एक बार जरा जो आपकी पोएम है टेक्स्ट बुक में उसको भी निकाल लीजिए और जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देखिए। क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं पेज नंबर 32 पे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, व्हाट इज़ द एटायर ऑफ द अर्थ, जो मैंने आपके लिए लिख के भी रखा है कि व्हाट इज़ द एटायर ऑफ द अर्थ। और क्वेश्चन जब मैंने आपको पोएम पढ़ाई थी वहाँ भी दो तीन बार बताया था, क्वेश्चन में कुछ नए वर्ड नहीं है, केवल एटायर वर्ड है, आप इसका मीनिंग लिख लीजिए। एटायर मीन्स होता है पोशाक, पहनावा। ठीक, अब आपका क्वेश्चन का पहले सेंस समझिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है, एटायर मतलब पोशाक, ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी की। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की पोशाक क्या है। पोशाक हम किसे कहते हैं जिससे कोई भी चीज़ ढकी रहती है। जैसे हम अपनी पोशाक में किस चीज़ को देते हैं, हम जो कुछ जिस चीज़ से ढके हुए हैं वो हमारी पोशाक है। तो इसी तरीके से पृथ्वी की पोशाक क्या है, तो जो मैंने आपको एक फिगर से बताया था कि पृथ्वी इस तरीके से चारों तरफ से तो पानी से ढकी है, और दूसरा पृथ्वी के ऊपर, अगर हम पृथ्वी का ऊपर से पोज लेते हैं तो हमें दिखाई देता है कि पृथ्वी के ऊपर हमें बहुत हरियाली दिखाई देती है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, एक तो ये जो ग्रीनरी है, ग्रीन भी सरा होता है, ग्रीनरी हरियाली होती है, और जो दूसरा वर्ड यहाँ यूज़ किया गया है कि जो वाटर है चारों ओर से जिससे घिरी है। तो बस ये दोनों ही चीज़ें, चूँकि पृथ्वी इससे ढकी है इसलिए आप कह देंगे कि ये दोनों ही चीज़ें पृथ्वी की पोशाक हैं। बात आ गई समझ में? तो पहले तो क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है आपको ये ठीक से पता हो, फिर उसका उत्तर अगर हम हिंदी में सोचें तो क्या है। अंग्रेजी की बात तो बाद में आएगी कि हमें उत्तर लिखना है, लेकिन अगर आपको टू द पॉइंट हिंदी में याद नहीं है तो आप एग्ज़ाम में इतना सारा जब सिलेबस इकट्ठा करेंगे तो भूलेंगे ज़रूर। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको एक बार हिंदी में अच्छे से याद होना चाहिए कि व्हाट इज़ द एटायर ऑफ द अर्थ। आप टू द पॉइंट कहें कि एक तो वाटर यहाँ देना है और दूसरा यहाँ ग्रीनरी को देना है। अब चूंकि हमें पता लग गया तो व्हाट के प्लेस पे हम इन दोनों चीज़ों को पुट कर दें बस। किस तरीके से, वो देखिए कि क्या है पृथ्वी की पोशाक, कि एक तो द वंडरफुल वाटर दैट सराउंड्स द अर्थ, दिखाई दे रहा है वंडरफुल वाटर। कभी पानी को वंडरफुल क्यों कह रहा है, क्योंकि पृथ्वी में हर जगह उसे पानी पानी दिखाई देता है, तो इसलिए उस पानी को उसने क्या नाम दिया कि द वंडरफुल वाटर। और वो पानी भी क्या करता है, दैट जो सराउंड्स, जो सराउंड कर लेता है, जो के मीनिंग मैंने आपको बताए भी थे कि अगर आप किसी व्यक्ति के बाद जो कहते हैं, मतलब उसका व्यक्ति के बारे में अगर कोई आप परिचय देते हैं तो उसके लिए आप बताएंगे तब आप कहेंगे हु, और अगर आप वस्तु के बारे में बताते हैं तब आप यूज़ कर सकते हैं विच और दैट। ठीक, तो पानी जो कवर करे है या पानी जो ढके है, पानी जो घेरे है, तो द वंडरफुल वाटर जो दैट, ठीक, जो के लिए आप विच या दैट में से कुछ यूज़ करेंगे, तो द वंडरफुल वाटर दैट जो घेरे है, घेरना वर्ड याद करना है, सराउंड, दैट सराउंड्स द अर्थ, कि एक तो पानी जो पृथ्वी को घेरता है, दूसरी चीज़ क्या है, ग्रीनरी, ग्रीनरी भी आपको वर्ड याद रहना चाहिए, एंड द ग्रीनरी। अब ग्रीनरी कहाँ होगी पृथ्वी पर, पृथ्वी के ऊपर, तो ऑन द लैंड। बस ये दोनों चीज़ें हो गई, ये दोनों चीज़ें चूंकि प्लूरल हो गई, जब दो कर्ता एंड से जुड़ते हैं तो वो बहुवचन हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक तो वंडरफुल वाटर ऑन द अर्थ, एक तो आपका ये सब्जेक्ट हो गया, दूसरा सब्जेक्ट ये हो गया, एंड द ग्रीनरी ऑन द लैंड। ये दोनों चूंकि एंड से जुड़े हैं इसलिए ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया। यहाँ उसने वॉट लगाया था इसलिए इज लगा है, आपने वॉट के प्लेस पर दो रख दिए इसलिए अब ये प्लूरल हो गया, तो इज हटके आर हो गया। तो बस यहाँ से आपका क्लियर हो गया, आंसर में कुछ भी लर्न नहीं करना। मैंने आपको बताया कि आपको जो टू द पॉइंट बोला है आप उस टू द पॉइंट वर्ड को याद रखिए। जैसे हमसे ये पूछा गया कि व्हाट इज द एटायर ऑफ द अर्थ, कि पृथ्वी की पोशाक क्या है, बस हमने उत्तर याद हो गया कि एक तो हमें इसमें वंडरफुल वाटर देना है और दूसरा हमें ग्रीनरी देना है। अब वाटर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वाटर जो पानी को घेर लेता है, तो द वंडरफुल वाटर दैट सराउंड्स द अर्थ, कि पानी तो वो जो पृथ्वी को घेरे रहता है इसलिए वो पोशाक है। और ग्रीनरी को पोशाक क्यों कह रहा है, क्योंकि ग्रीनरी पृथ्वी के ऊपर है तो उसने भी उसको घेरा है, एंड द ग्रीनरी ऑन द लैंड। तो इसमें आपकी दोनों बातें हो गई कि आपने इन्हें पोशाक क्यों कहा है, क्योंकि इन्हीं से पृथ्वी ढकी है। बात आ गई होगी समझ में, और मेरे ख्याल से याद हो भी गई होगी कि द वंडरफुल वाटर
कि पानी जो घेरे है, अब जो के लिए आप दैट लगाएंगे तो द वंडरफुल वाटर दैट सराउंड्स द अर्थ, क्लियर, एंड द ग्रीनरी। और ग्रीनरी को क्यों कह रहा है पोषा, क्योंकि वो भी घेरे है तो वो उसके ऊपर है, इस तरीके से घेरे है, तो एंड द ग्रीनरी ऑन द लैंड। ऑन प्रीपोजिशन का यूज आप कब करते हैं, जब दोनों की सतहें एक दूसरे को टच करती हैं। बात आ रही समझ में, तो जब कोई चीज किसी के ऊपर होती है बट दोनों सरफेस एक दूसरे को टच भी करती हैं, तब आप ऑन का यूज करते हैं, ठीक। तो एंड द ग्रीनरी ऑन द लैंड, और जमीन के ऊपर की जो ग्रीनरी है, अब दोनों चूंकि आपके प्लूरल हो गए तो आर द एंटायर ऑफ द अर्थ, क्लियर, याद हो भी गया होगा। हाँ, तो अब देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो पहले एक बार टेक्स्ट बुक में ही देखिए 32 नंबर पेज पे, हाँ सेकंड क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन वैसे आपके सामने यहाँ भी लिखा है, तो पहले इसके एक बार वर्ड मीनिंग देखिए। विच एक्शंस, कौन से काम ऑफ द विंड, हवा के, आर डिस्क्राइब्ड, बस यही चीज़ है जो आपको परेशान करती है और इसी को आपको ठीक से बार बार समझना है। एज एम आर, जो स्टूडेंट जितनी जल्दी इसको कैच कर लेगा उसकी अंग्रेजी की बहुत सारी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। एज एम आर के साथ आपको वर्ब थर्ड मिल रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया, देखते से ही आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि ये पैसे बॉयज हो गया। काय का हो गया, ये भी दिमाग में आना चाहिए कि ये डू और डज का हो गया, ठीक। डू और डज का सेंस क्या निकालते हो, ताएती यती है, तो इसके पैसिव का सेंस क्या निकालोगे, मैंने बताया था कि केवल जा लगाना है, ठीक। तो आपका सेंस हो जाएगा जाता है, जाती है, जाते हैं, ये जाता है काय में लगाना है, जो आपकी वर्ब है उसके सेंस में, तो वर्ब यहाँ आपकी क्या है, डेस्क्राइब। डेस्क्राइब की हिंदी क्या होती है, वर्णन करना, वर्णन करना में लगाओ, वर्णन किया जाता है। तो विच एक्शंस मतलब कौन से काम ऑफ द विंड, हवा के, वर्णित किए जाते हैं, या हवा के कौन से कामों का वर्णन किया जाता है इन द पोइम, कविता में, ठीक। तो इस तरीके से अगर आप चलते हैं तो आप ठीक सेंस पे आ जाएंगे। अब चूंकि क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी है, आंसर जो स्टूडेंट डायरेक्ट देखा उनने कहा चलो शुरू कर दो रटना, तो उनको तो प्रॉब्लम होनी होनी है। पहले मैंने आपको जो टेक्स्ट बुक पढ़ाई थी वो इसलिए पढ़ाई कि आप हवा के काम अपने आप से बताएं। तो जिन स्टूडेंट को तब भी नहीं पता, एक बात और ज़रूरी सुन लीजिए कि अगर आप वीडियो क्लास देख रहे हैं तो ट्यूशन की तरह सामने बैठिए, सारी चीज़ें लेकर के बैठिए, ऐसा नहीं कि वीडियो क्लास हमारे घर तक आ जाती है तो हम घर पर ट्यूशन जैसा जो माहौल है वो क्रिएट नहीं करें और कहीं भी जैसा खाना खाते समय चलो वीडियो चला दिया देख लिया। अगर आपको लर्न करना है तो आपको अलग से बैठना होगा, ईयरफोन लगाना होगा और सारी चीज़ें ध्यान से सुननी होंगी, फिर गारंटी है आपको लर्न होगा ही होगा। जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि हवा के कौन कौन से कामों का वर्णन किया जाता है, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हमने पोएम पढ़ी तब कौन कौन से काम बताए थे और कहाँ बताए थे। तो सेकंड स्टेंजा में देखिए, सेकंड स्टेंजा में सेकंड लाइन पे आइए, सेकंड लाइन क्या कह रही है कि एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, कि हवा क्या करती है कि शेकिंग द ट्री, पेड़ों को हिलाती है। अगर हम पोएम में भी नहीं पढ़ें तो भी हमें पता है कि पेड़ों को हिलाने का काम हवा का होता है, यहाँ से भी समझना है और वैसे भी पता है। तो पेड़ों का पहला काम उसने कह दिया कि शेकिंग द ट्री, पेड़ों को हिलाती है। दूसरा इसका जो काम उसने बताया वो क्या बताया, इट वॉक्स ऑन वाटर, कि ये पानी के ऊपर चलती है। अब हमें क्या करना है कि इसको काम बनाना है, तो वॉकिंग ऑन वाटर हमने इसे काम बना दिया। इट वॉक्स का ये पूरा सेंटेंस था कि इट वॉक्स ऑन द वाटर, कि ये पानी के ऊपर चलती है, हमने इसे डायरेक्ट वर्क बनाना है तो वॉकिंग ऑन वाटर, कि पानी पर चलना, ये हवा का काम है। तीसरा इसने बताया था एंड व्हील्स द मिल्स, कि ये मीलों को घुमाती है, अब हमें इसको भी काम बनाना है तो व्रिल में भी ING लगा दिया, व्रिलिंग द मिल्स, कि मीलों को घुमाती है, ठीक। इसके बाद अगला देखिए, इसमें क्या लिखा है, एंड टॉक्स टू इट्सेल्फ, टॉक मतलब बात करना, इट्सेल्फ माने खुद से, जब भी बाकी का कर्ता अगर जैसे आपको पता लग रहा है ही होता है तो स्वयं की अंग्रेजी क्या बनाते हैं, हिमसेल्फ, अगर सी होता है तो स्वयं की अंग्रेजी क्या बनाते हैं, हरसेल्फ, ऐसे ही अगर बाकी का कर्ता इट है तो स्वयं की अंग्रेजी क्या बनाएंगे, इट्सेल्फ। तो सेम से बातें करती है, हवा इट हो गई तो सेम क्या हो गया, इट्स सेल्फ, कि टॉक्स टू इट्स सेल्फ, कहाँ, ऑन द टॉप्स, चोटियों पर, ऑफ द हिल्स, पहाड़ियों की,
तो पहाड़ियों की चोटियों पर ये खुद से बातें भी करती है। तो ये वो काम है जो आपने अब आगे अलग से लर्न करने हैं, आंसर लर्न करने से पहले। एक शेकिंग द ट्री, पेड़ों को शेक करती है, पेड़ों को हिलाती है। दूसरा वॉकिंग ऑन वाटर, पानी पर चलती है। तीसरा व्रिलिंग द मिल्स, मीलों को घुमाती है। व्रिल के लिए दूसरा वर्ड क्या लगा था? अगर आपसे पूछा जाएगा कि विच वर्ड मीन्स व्रिल, समझ में आया कि नहीं? जैसे यहाँ पूछा गया, जैसे स्पिन इसमें यूज किया गया था, तो उस तरीके से आपको वर्ड भी याद होनी चाहिए जो मैं आपको बीच बीच में बताता जा रहा हूँ कि विच वर्ड मीन्स स्पिन। अगर ये पूछ लिया जाता है तब आपको बताना होगा कि व्रिल। तो पहला काम चेकिंग द ट्री, दूसरा वॉकिंग ऑन वाटर, तीसरा व्रिलिंग द मिल्स, और चौथा खुद से बातें करना। तो उस काम को मैंने आंसर में थोड़ा चेंज कर दिया है, यानी आवाज़ उत्पन्न करना। तो आवाज़ उत्पन्न करने के लिए मैंने लगाया प्रोड्यूसिंग साउंड। प्रोड्यूस माने होता है उत्पन्न करना, साउंड। तो ये साउंड को भी उत्पन्न करती है कहाँ? एटॉप, शिखर पे, द हिल्स, पहाड़ियों के शिखर पे आवाज़ उत्पन्न करना। तो ये बस आपने चारों काम अलग से याद करने हैं, और उन्हें जैसा क्वेश्चन का है ठीक वैसे रख दो। क्वेश्चन क्या था कि विच एक्शंस ऑफ द विंड, हवा के कौन कौन से काम आर डिस्क्राइब्ड। आपने कह दिया कि हवा का ये काम या हवा का वर्णन किया जाता है। आप इसका उत्तर दो कर तरीके से दे सकते हैं कि ये काम हवा के वर्णित किए जाते हैं, तो इसमें काम पहले लिखना होगा। समझ में आएगा कि नहीं? एक ये भी तरीका है कि हवा का वर्णन किया जाता है इन काम को करने के लिए, तो हवा का वर्णन किया जाता है, यहाँ आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया द विंड, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर हो गई इज डिस्क्राइब्ड, कि हवा का वर्णन किया जाता है एज, यानी जैसे। तो जैसे करके आपने वो काम लिख दिए। काम कौन कौन से हैं वो आपको डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए। शेकिंग द ट्री, पेड़ों को हिलाने में। वॉकिंग ऑन वाटर, अब यहाँ शेक द ट्री क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सेक द ट्री के लिए हमने जैसे पहले वर्ब लगाई है, तो अगर किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आप वर्ब लगा देते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, जैसे गो देयर आपने लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया? वहाँ जाओ, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस बन जाए। तो हमें क्या करना होगा कि हमें इसको चेंज करना होगा, तो इसलिए हमें यहाँ ing लगाना होगा एज ए शेकिंग द ट्री, पेड़ों को हिलाने के लिए, ये हवा का काम है। फिर वॉकिंग ऑन वाटर, पानी पर चलने के लिए, तो हमने इनको वर्क बनाया इसलिए इनमें ing लगाई। तो शेकिंग द ट्री, वॉकिंग ऑन वाटर, व्रिल को भी व्रिलिंग किया, व्रिलिंग द मिल्स, एंड आवाज़ उत्पन्न करना। तो प्रोड्यूस माने उत्पन्न करना होता है, प्रोड्यूसिंग साउंड कहाँ? एटॉप द हिल्स, एटॉप शिखर पे, द हिल्स पहाड़ियों के शिखर पे बातें करना। कोई भी आंसर इसका टिपिकल नहीं है, बस आप आंसर को टिपिकल बनाएंगे नहीं, तो आंसर टिपिकल ऐसे बना देते हैं कि हमें उत्तर मिला नहीं कि हमने शुरू कर दिया आँख बंद करके रटना। यार ये देखो उसमें कि क्या चीज़ पूछी जा रही है, और फिर ये समझने की कोशिश करो कि हमें क्या लिखना है। जैसे पहला आपका क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द एटायर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की पोशाक क्या है। आपने पोशाक लिखनी है, इसका मतलब पृथ्वी काई से ढकी है। तो आपने दो चीज़ों से ढकी है, आपको पता है। पहली कि जो पानी है जो इसे घेरता है, तो द वंडरफुल वाटर दैट सराउंड्स द अर्थ। दूसरी जो ग्रीनरी इसके ऊपर है, एंड द ग्रीनरी ऑन द लैंड, दोनों बहुवचन हो गए, आर द एटायर ऑफ द अर्थ। विच एक्शंस ऑफ द विंड आर डिस्क्राइब्ड इन द पोइम, एक्शन एक्शन लिख दो कि द विंड इज डिस्क्राइब्ड एज सेकिंग द ट्री, वॉकिंग ऑन वाटर, व्रिलिंग द मिल्स, एंड प्रोड्यूसिंग साउंड एटॉप द हिल्स। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर